दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम सबुबेले सफलता को बाट कढ़ाई निए, स्वप्न बास्तव रूप निए, दुनिया पाद तले पड़े। कोको गॉफ गतकाली पर्यंत से अमेरिकार केवल जड़े टेनिस खेलाड़ी थे, किंतु गतकाली ठारू ए नाम खेल जगत में चहल सृष्टि कर सारी। मात्र 19 वर्ष से सफलतार शीर्षतम सोपान पहुंची जाती। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट रे चैंपियन होवार गौरव हासिल करती। गत शनिवार महिला एकक फाइनाल रे षष्ठ सीड मान्यता प्राप्त बेलारूस रो अरीना साबालेंका को परास्त कर विश्व विजयी होती। यह निजर खेल जीवन में प्रथम थर पर ग्रैंड स्लैम टाइटल जीति। पिलादिने सेरेना और वेनस को देख टेनिस खेल प्रति आकृष्ट होते कोको से पछक हटिन। समग्र विश्व को करायत्त करने को अद्यम इच्छा राति सुहाई देन। परिश्रम और अधवसाय द्वारा निजर आदर्श सेरेना द्वितीय सर्वकनिष्ठ महिला खेलाड़ी भाव से सफलता हासिल करते। मात्र 17 वर्ष बयस से ही सफलता हासिल कर पाखापाखि 28,000 घरोई दर्शकों सम्मुखरे प्रथम सेट्रे परास्त होते कोको गॉफ। किंतु यापर से जपरी प्रत्यावर्तन कले उपस्थित दर्शकों अभिभूत कर लगातार दुईटी सेट्रे साबालेंका कौन सुजोग दे नथिले कोको। संघर्षपूर्ण यह लड़ई में गत 2-6, 6-3, 6-2 सेट्रे से विजयी होते। 2 घंटा 6 मिनिट्र संघर्ष पर से पिंधिते विजय मुकुट। अन्यपटे पराजय सह साबालेंका द्वितीय ग्रांडस्लम जितिबा स्वप्न धूलिसात हो जाइथिला। गत वर्ष फ्रेंच ओपन टाइटल रु वंचित होइथिले गॉफ, किंतु यहा परे से आउ पछकु फेरि चाहि नथिले। चलित सीजन रे लगातार 16टी मैच जीति जणे अप्रतिद्वंदी खेलाड़ी भाबे से उभा होइचंती। यूएस ओपन टाइटल जितिबा परे से निज करियर रे श्रेष्ठ तृतीय स्थान को पक्का करि नैचंती। गत वर्ष से चतुर्थ स्थान रे थिले। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।